हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन्फॉर्मेशन विथ पीके। तो फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी सीएसएल वालों का एडमिट कार्ड जो है जारी कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, उसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। टीयर फर्स्ट वालों का एडमिट कार्ड जो है जारी कर दिया गया है, कैसे डाउनलोड करना है, कब से आपका एग्ज़ाम है, किस डेट से कब तक चलेगा, तो इन सभी जानकारियों के ऊपर आज हम ऑन स्क्रीन आप सभी को दिखाने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें तथा शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स, इसमें एसएससी सीएसएल टीयर फर्स्ट वालों का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की पूरी इन्फॉर्मेशन तथा एग्ज़ाम डेट कब से कब तक की आप सभी को देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम ऑन स्क्रीन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये एसएससी सीएसएल का नोटिफिकेशन है, नोटिस है। आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट नोटिस लिखा हुआ है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसमें सीरियल नंबर के द्वारा दिया गया है एग्जाम नेम ऑफ एग्जामिनेशन पेपर या स्टेज शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स, सेकेंड नंबर पे लिखा है कम्बाइंड हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 टीयर फर्स्ट। कम्बाइंड हायर सेकेंडरी जो है इसका सीएसएल का फुल नेम है, तो इसी को आपको देखना है टीयर फर्स्ट। इसकी एग्ज़ाम डेट जो है 9/3/2023 यानी कि 9 मार्च 2023 से 21 मार्च 2023 तक चलेगी। ये इसकी हो गई डेट कम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी कि सीएसएल टीयर फर्स्ट वालों का 9 मार्च 2023 से 21 मार्च 2023 तक इसका एडमिट वो जो है एग्ज़ाम चलेगा। अब बात करते हैं एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें। तो फ्रेंड्स, अगर आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहां से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बात रही एडमिट कार्ड की, एडमिट कार्ड अभी आप लोगों का जो है शो नहीं हो रहा होगा क्योंकि उसमें अभी अवेलेबल नहीं है। एडमिट कार्ड की जैसे ही कोई भी जानकारी आएगी हम अपने चैनल पर आप सभी को प्रोवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स, एडमिट कार्ड अभी नहीं डाउनलोड होगा क्योंकि अभी जो है लिंक जो है एक्टिवेट नहीं हुई है। ये बात रही एसएससी सीएसएल एडमिट कार्ड की। तो फ्रेंड्स, जैसे ही कोई जानकारी आएगी आप सभी को हम इस चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।